रुपए के बहाने बुलाकर मारपीट कर घायल किए गए युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। रुपए के लेन देन को लेकर महिला तथा उसकी पुत्री व सहयोगियों ने युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई गई। थाना घिरोर के ग्राम महुआहार कलहोर निवासी रघुवीर सिंह पुत्र कप्तान सिंह ने सोमवार को कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए बताया कि बीते शनिवार को उनका नाती राघवेंद्र उर्फ रिंकू पुत्र नरेंद्र सिंह को उसके रिश्तेदार ग्राम गंगापुर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी निवासी बिंदु देवी पत्नी रमेश उर्फ रविश यादव ने बुलाया था, जहां पैसे के लेनदेन को लेकर घर के अंदर बंद कर लिया। बिंदु देवी व उसकी पुत्री केसर अंकुर पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम जिरौली बिछवा भूरे उर्फ सारनाथ पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम नगला खेड़ा ने राघवेंद्र उर्फ रिंकू के साथ बेरहमी से मारपीट कर मरणासन्न हालत में उसे जीटी रोड स्थित मंदिर बनखंडी के पास फेंक दिया। रविवार की सुबह 8:30 बजे होश में आने पर राघवेंद्र ने राहगीर के मोबाइल से परिजनों को जानकारी दी। मौके पहुंचे परिजनों ने घायल राघवेंद्र को फिरोजाबाद के रेनबो अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जहां फिरोजाबाद की पुलिस द्वारा ही मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। तो जब मैं मांगने के लिए गया तो उन्होंने उल्टा मुझसे बोला कि अब इस लिख डायरी पर मेरे ऊपर जबकि उल्टा बोला कि ये लिख तूने मेरी लड़की से ब्लैकमेल करके ये मुद्रा हासिल करी, तो मैंने लिख दी ये चीजें। फिर बोले कब लौट आएगा, तो बोले कि जब लौट आने आए तब मेरी बाइक अपनी बाइक और अपना फोन ले जाइयो। तो मैं नीचे मुझसे लिखवाए इस गलती की लिए मैं यानी जी माफी वगैरह के बारे में लिखवाया मुझसे। फिर मेरे दोनों अंगूठाओं को लगवाया, कम से कम 5 पेजों पे लिखवाया मुझे और 5 पेजों में हर बार बुरी तरीके से मारा मुझे, उसके बाद साइन करवाए। मारा किस चीज से? मारा था उन्होंने जो समर की पाइप होता है समर का, उस पाइप से मारा और सफेद कलर का वो आता है पाइप जो बिजली वगैरह इतना मोटा होता है सफेद कलर का, लाइट वगैरह की फिटिंग या टंकी की फिटिंग में काम आता उससे मारा। कितने लोग थे? बिंदु देवी वाइफ ऑफ रमेश चंद निवासी कुरावली और उनकी 2 पुत्री हैं मनीषा और केसर। मनीषा ने नहीं मारा मुझे, केसर ने बहुत मारा। और उसके बाद 2 लड़के और थे जिनका रियल नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम था भूरे और अंकुर, जो उनके निकनेम भी हो सकते हैं। वो अपना पता बता रहे थे, कौन सा गांव बताया था? बिछवा बिछवा बता रहे थे। चलो ठीक है, रेस्ट करो। जो आपके चचेरे भाई की मौत हुई है, क्या मामला है? ये मामला 10 तारीख को ये कुराल से फोन आया था इसके पास, तो वहाँ गया था, उन्होंने बुलाया था, इसके रुपए थे कपड़े रुपए ले जाओ, 50,000 रुपये थे रुपए ले जाओ। लेकिन जैसे ही ये गया है 11 बजे यहाँ से निकला है, 1 बजे वहाँ पहुँच गया है। पहुँचने के बाद उन लोगों ने कुंडी बंद करके बहुत मार लगाई है। रवीश रवीश की पत्नी और रवीश की दोनों बेटी और 2 लड़के और थे, दारू पी रहे थे। उन्हें दारू पीने के बाद इसको हाथ बांध ही ऊपर, उसके बाद बहुत मार लगाई है। मार लगाने के बाद 7 बजे तक मार लगाइए, रुक रुक के मार लगाइए। उसके बाद 8 बजे करीब से घरों रोड पर फेंक दिया है। फिर मुझे सुबह 8 बजे खबर मिली है कि रागबंद यहाँ पर एक मंदिर है वहाँ बनखंडी नाम से, उस पुजारी ने मुझे फ़ोन किया है 8 बजे कि कोई लड़का है आपका नंबर दे रहा है। तो मैं गया हूँ उसे लेकर, पर मैं फिरोजाबाद गया लक्ष्मी हॉस्पिटल में, वहाँ मैंने इलाज कराया, उन्होंने 10 बजे रेफ़र कर दिया और मैं आगरा एपेक्स में लेके जा रहा था और अचानक उनकी राजा तन करने के बाद मृत्यु हो गई। अच्छा, उनके कुछ बयान यान भी हैं? हाँ, मेरे पास बयान है, वीडियो भी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई। कुरान पीट पीट कर
कुरावली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक युवक है राघवेंद्र, जिसको कि उसी के कुछ रिश्तेदार हैं, उनके आपस में लेन देन के संबंध में घर पे उसको बुलाया गया था और उसी दौरान उनके घर के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसके परिजन जब उसको हॉस्पिटलाइज्ड किए और वहाँ से जब उसको रेफर किया जा रहा था तो दौराने रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। इनकी उनके घर वालों की सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और थाना पुलिस द्वारा जितने भी मुलजिम थे उन सभी के शत प्रतिशत गिरफ्तारी की गई, को जेल भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। मृतक का सर मृत्यु से पूर्व का एक बयान भी वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, जिस वक्त उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था तो उस दौरान भी उसकी घर वालों ने एक ऑडियो रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिससे कि जो पूरी घटना थी उसकी सच्चाई के बारे में और अच्छी तरीके से पता चला था और ये एक अहम सुराग भी है और इसके साथ साथ एक कंक्लूसिव प्रूफ की तरह भी हम लोग यूज़ करेंगे। क्या सर पूछताछ में निकला, आखिर उसकी हत्या क्यों की गई? हत्या का कारण जैसा कि आपको मालूम ही है कि आपस के लेन देन का संभवत रहा है और अभी और भी गहनता से पूछताछ करके उसमें कार्रवाई की जा रही है।